अल्लाह ताला की फजल और शुक्र के साथ करते हैं एक नए दिन का आगाज़। और मैं अभी सुबह सवेरे वॉक पर निकला हूँ और आप ये देख सकते हैं कि आज मौसम काफ़ी ठंडा है, क्योंकि रात को काफ़ी बारिश हुई थी और साथ में आंधी भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई नुकसान नहीं हुआ आंधी वगैरह से। लेकिन जो मौसम है वो एक ही रात में बहुत तब्दील हो गई और आज काफ़ी ठंड पड़ रही है हमारे गाँव में, जिस तरह आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 6:30 बजे होने वाला है लेकिन अभी तक जो है सूरज नहीं निकला। आज बादल छाए हुए हैं, होपफुली आज और भी बारिश होने का इम्कान है। गांव की देसी ज़िंदगी, मेरी इंजन जला कर मेरे लिए पराठा बना रही है, आप ये देख सकते हैं। और जिस तरह कल मैंने बात की थी कि हमारे दूसरे घर में काम जारी है, तो अभी काम इस पर हो रहा है, आप देख सकते हैं। स्कूल जाने से पहले का वक्त है, वेरीफिकेशन प्रोसेस अभी भी जारी है। और ये इस वक्त मैं बादशाह खान यूनिवर्सिटी के बैंक ऑफ हैबर में मौजूद हूँ और ये वेरीफिकेशन के लिए मैंने पैसे जमा किए यहाँ पर। और ये बादशाह खान यूनिवर्सिटी चार सद्दा की खूबसूरत बिल्डिंग, यहाँ पर हमने 4 साल गुजारे थे। ये सामने साइंस ब्लॉक है और ये इस साइड पर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ये हिसाब वगैरह बैठते हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड है, साथ में फुटबॉल का भी एक ग्राउंड है यहाँ पर। और जिस तरह इससे पहली वीडियो में मैंने बात की कि मेरे एक दूसरा भाई जो है ओगर बना रहा है माशाल्लाह, उसमें भी कंस्ट्रक्शन काम जारी है। ये उसकी चार दीवारी बहुत ही खूबसूरत, और ये उस पर अभी ऊपर चार दीवारी जो है उसका काम जारी है। कहते हैं काना और काने में आज है चार सद्दे की मशहूर मोटे चावल चटनी और सबसे फेवरेट दाल कद्दू। मौजूदा सूरत हाल में बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी सोशलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। सोशलाइजेशन इन सेंस के मतलब जो पेरेंट्स हैं उनके, वो उनको किस तरह तरबियत करते हैं, क्योंकि बच्चों की सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको सिर्फ स्कूल भेजते हैं और ये कहते हैं कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर घर में हम उनकी तरबियत उसी तरह नहीं कर रहे जिस तरह उनकी ज़रूरत होती है, तो फिर वो बच्चे आगे जाकर बिगड़ जाते हैं। अगर हम ये कहें कि ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी छोटा है, इनको कुछ ना कहे, अगर वो कोई गलत काम करता है फिर भी हम उसको इनक्रेज करते हैं, तो आगे जाकर वो ऑटोमेटिकली मतलब वो काम करेगा, फिर आपको उसकी जो नतज है वो भुगतने पड़ेंगे। इसका मतलब कुछ यूँ हुआ कि अगर आप ऊपर आसमान की तरफ मतलब पत्थर फेंकेंगे और नीचे ये सोच कर खड़े रहते हैं कि ऊपर से पुल गिरेगा, तो ये आपकी जो सोच है वो गलत है। तो बच्चों की सोशलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्कूल के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से जिस तरह लोगों की कंसेप्ट थी, जिस तरह मेरी अपनी रही थी, लेकिन वो उनसे हट कर है माशाल्लाह, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी जो सोशलाइजेशन है वो ज़बरदस्त है, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म से हट कर माशाल्लाह जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो ये मैंने वैसी जनरली एक बात नोट की थी, तो इस हवाले से मैंने ये एक ख्वाहिश थी कि मैं इस पर बात करूं। पर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ माशाल्लाह, इससे पहले भी मैंने आपके इसका व्यू जो था वो देखा था। आप यहाँ पर जो मुख्तलिफ दरख्त है ये बहुत ज़बरदस्त है, आज मैं इनको डिटेल में देख रहा था। ये आप देखें, ये इनको पश्तों में नख्तर कहते हैं, ये पुदीना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ये कावा है, इसकी जो टेस्ट है मैंने चेक की, ये माशाल्लाह इसकी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये आम का एक दरख्त है और ये साथ में कुछ और दरख्त भी लगाए हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह का जो व्यू होता है ना, इससे आपको एक किस्म की फ्रेश जो ऑक्सीजन है वो भी मिलती है। दूसरी ये कि मतलब बंदे का रूह खुश हो जाता है इस तरह की जो माहौल है, इसी तरह की जो दरख्त वगैरह है, जो प्रेजेंटेशन होती है दरख्तों की, और स्पेशली जब आपके घर में और हुजरे में भी इस तरह का सिस्टम हो तो इसका एक अपना ही मज़ा होता है। दूसरी बात, ये जो ग्रास वगैरह है चमन, इसके ये फ़ायदा होता है कि बंदा इसमें वॉक भी कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें माशाल्लाह इस दरख्त को, ये भी बहुत छोटा है।
और अभी आए बाजार गैस बनने के लिए। जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि सीएनजी पंप वगैरह की वजह से हमारे यहाँ गैस का बहुत इशू होता है और जो सुई गैस है वो हमारे यहाँ नहीं आता। आजकल केले का सीज़न है तो लेते हैं घर के लिए केले और शेक भी बना लेंगे। और खाने में खाते हैं आज चार सद्दा की मशहूर चपली कबाब घर वालों के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ भी रहे खुश रहे, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटें, क्योंकि खुशी में ही ज़िंदगी है। कोशिश करें कि दूसरों लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। खुशियों को बांटें, नफरतें फैलाने से कुछ नहीं होता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।